हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2013 एसेंशियल ट्रेनिंग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम रिकरिंग टास्क यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो रिकरिंग टास्क क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अब रिकरिंग टास्क क्या है कि जो टास्क आप डेली बेसिस पे या तो फिर वीकली बेसिस पे या तो फिर मंथली बेसिस पे या तो फिर क्वार्टरली बेसिस पे या तो फिर ईयरली बेसिस पे अगर आप कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसको रिकरिंग टास्क बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे रिकरिंग टास्क क्रिएट करना है। सो सबसे पहले जहाँ से आपको रिकरिंग टास्क क्रिएट करना है वहाँ पे आप जा सकते हो और यहाँ पे टास्क टैब में इंसर्ट पैनल में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि समरी, माइलस्टोन, डिलीवरेबल और टास्क को अगर मैं एक्सपांड करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है रिकरिंग टास्क। सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। रिकरिंग टास्क मतलब जो टास्क रिपीट होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन फिलअप करना है रिकरिंग टास्क का। सो लेट्स से प्रोजेक्ट रिव्यूइंग मीटिंग। अब ये जो रिकरिंग टास्क है वो आप किस तरीके से चाहते हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है वन डे। सो एवरी वीकली दैट इज अ वन डे, राइट। सो लेकिन मुझे मेरी जो मीटिंग है वो 3 आवर्स तक चलने वाली है और उसको आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। ओके, सो डेली और एवरी डेज और वर्क डेज में आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो। वीकली बेसिस पे भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो लेट्स से एवरी मंडे एवरी फ्राइडे आपकी मीटिंग होने वाली है 3 आवर्स की और इट विल बी अकर्स ऑन एवरी 2 वीक्स, राइट। सो रिकरेंस ऑफ एवरी 2 वीक्स। फिर मंथली बेसिस पे भी आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो कि डे या तो फिर डेट और एवरी वन मंथ एवरी 2 मंथ एवरी 3 मंथ लाइक दैट। या तो फिर आप ऐसा भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि द फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी 1 मंथ, इस तरीके से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आपकी क्वार्टरली मीटिंग चल रही है तो आप एवरी 3 मंथ्स या तो फिर एवरी 4 मंथ्स, उस तरीके से भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मेरी मंथली बेसिस पे है तो एवरी 1 मंथ और सेम तरीके से आप ईयरली बेसिस पे भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अब रेंज ऑफ रिकरेंस किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है, तो उसकी स्टार्टिंग डेट तो फिक्स है कि जो हमारी प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेट है वही उसकी स्टार्टिंग डेट ऑफ रिकरेंस होने वाली है। लेकिन एंडिंग डेट आप 2 तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो, आइदर बाय प्रोजेक्ट एंड डेट, आइदर बाय एंड विथ फिक्स नंबर ऑफ अकरेंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिक्स नंबर ऑफ अकरेंस, सपोज लेट्स से 10 मीटिंग्स होने वाली है या तो फिर 20 मीटिंग्स होने वाली है, तो यहाँ पे आप वो नंबर स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ एंड डेट विथ प्रोजेक्ट लोकेशन और सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके। अब जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिकरेंस टास्क का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपको वो भी स्पेसिफाई कर रहा है कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कब होने वाली है, सेकंड मीटिंग कब होने वाली है, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू 8। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपकी नंबर ऑफ मीटिंग्स यहाँ पे फिक्स हो सकती है और उसको आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज भी यहाँ पे कर सकते हो। और ये जो सिंबल इंडिकेट कर रहा है वो सिंबल इंडिकेट कर रहा है रिकरेंस टास्क का। तो आप देख सकते हो कि दोनों एरो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो सिंबल इंडिकेट कर रहा है रिकरेंस का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रिकरेंस टास्क का टोटली यहाँ पे प्रोजेक्ट रिव्यू मीटिंग यहाँ पे एंटर हो चुका है और उसको यहाँ से आप देख सकते हो। सो दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएट अ रिकरिंग टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट।